हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे रियल नंबर्स चैप्टर का पार्ट 4, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस फर्स्ट वाले चैप्टर का। इस लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है इरेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन तीनों लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना शुरू कीजिए। अदरवाइज आप लोग केवल इसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो जिसके अंदर इरेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे किया जाता है, तो आप इसी लेक्चर को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यही थ्योरम यहाँ मैं बार बार यूज करूँगा तो इसलिए आप लोगों को पहले से पता होगी, तो यहाँ मैं जब यूज करूँगा तो आसानी से समझ पाओगे। तो थ्योरम क्या कहती है देखो, कि जैसे कोई मान लो कि एक नंबर, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ यहाँ पर, कि जैसे कोई नंबर है 10, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। अगर इस 100 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर मैंने कोई नंबर पिक किया उसका स्क्वायर करके मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड हो रहा है। तो वो जो गिवन नंबर होगा ना स्क्वायर करने से पहले, वो नंबर भी क्या होगा, इस 2 से डिवाइड होगा। आई होप समझ में आया होगा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर, जो कि मान लो कि प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, इससे डिवाइड हो रहा है, तो वो जो नंबर होगा स्क्वायर करने से पहले जो नंबर था ओरिजिनल नंबर, वो भी क्या होगा, उस गिवन नंबर से डिवाइड होगा। तो इसी चीज को यहाँ थ्योरम की फॉर्म में लिखा गया है। तो क्या है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह किसने ले ली, यहाँ पे पी ने ले लिया, और ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे ए की जगह पे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पी कोई प्राइम नंबर है। अगर पी क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। तो जो चीज मैंने यहां एक्सप्लेन करी है कि अगर पी एक नंबर है मान लो कि 2, और ए एक नंबर है जो कि कोई भी इंटीजर हो सकता है 10, अगर इस 10 का स्क्वायर इस 2 से डिवाइड होगा तो 10 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसी चीज को मैंने जैसे यहां ये वाला एग्जाम्पल यहां भी लिख लिया कि अगर 10 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10 भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो गया और ये 2 मतलब कि पी हो गया, यानी कि ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो 10 भी 2 से डिवाइड होगा यानी ए भी पी से डिवाइड होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया है, जैसे 36 के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, उसी तरीके से 36 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे किया जाता है। तो टॉपिक है हमारा प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की इरेशनलिटी को प्रूफ करना है। इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मुझे रूट 2 को, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। मैं इसको इरेशनल नहीं मान के रेशनल मान लूंगा, और जो चीज मैंने उल्टा इसका माना है उसी चीज को रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा। यानी कि यह ऑटोमेटिकली जब मैंने रूट 2 को इरेशनल माना तो मेरी कुछ एरर निकल के आएगी लास्ट में, वो एरर इसी वजह से आ रही होगी कि मैंने इसको क्या कर लिया है, इसका रॉन्ग अजम्पशन कर लिया है, और रॉन्ग अजम्पशन की वजह से मेरा आंसर क्या आ रहा होगा, लास्ट में एरर आ रहा होगा। तो हम सही करेक्ट करके क्या बोल देंगे कि भाई हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ऐसा हुआ है, तो इसका सही अजम्पशन क्या होना चाहिए कि इरेशनल होना चाहिए। आई होप मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं क्या करूँगा, जिस भी चीज़ को इरेशनल या जिस भी नंबर को मुझे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है उसको मैं रेशनल मान लूँगा। रेशनल मानने के बाद में लास्ट में मुझे कुछ एरर्स मिलेंगी, यानी कि मेरा कुछ गलत निकल के आ रहा होगा रिजल्ट, तो वो रिजल्ट गलत होने का कारण यही है कि मैंने स्टार्टिंग में क्या कर दी थी, इसकी गलत कल्पना कर ली थी, यानी कि रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था। रॉन्ग अजम्पशन की वजह से मेरा रिजल्ट क्या आ रहा था, गलत आ रहा था, तो उसकी सही अजम्पशन क्या होगी कि उसका ओपोजिट होना चाहिए। तो जो हमने रेशनल समझा था उसको हम क्या मानेंगे, लास्ट में लिख देंगे कि सॉरी हमारे से गलती हो गई है, रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ऐसा आ रहा है, तो हमारा सही अजम्पशन क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। आई होप मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करेंगे कैसे, वन बाय वन स्टेप कैसे होगी, तो वो समझते हैं।
तो हमारे पास जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ मैं, यहाँ पे तीन चार एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने ये लिया एज इट इज, सिमिलरली एक और एग्जांपल ऐसा कैसा लूंगा जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मुझे प्रूफ करना है कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब ये सीबीएसई में देखो 8, 9, 10, 11, 19 और इसके अलावा भी पूछा हुआ होगा, तो मैंने जो जो ईयर्स में पूछा गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और राजस्थान बोर्ड में 2015 के अंदर भी पूछा है और 2023 के अंदर भी ये सवाल आया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि रिपीटेडली क्या किया जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका प्रोसीजर ध्यान रखना और ये जो मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ एज इट इज आप लोगों को क्या करनी है, याद नहीं करनी है, समझ लेनी है और एज इट इज कॉपी करके आनी है पेपर के अंदर कभी भी ये सवाल आता है तो ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले मैंने वही बोला कि भाई इसको क्या करो, रॉन्ग अजम्पशन कर लो, इसकी उल्टा इसके बाद सोच लो। तो हमें रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, रूट टू एक रैशनल नंबर है ये हमने मान लिया, तो लेट रूट टू बी ए रैशनल नंबर। और जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देन इट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू। तो हम बोल सकते हैं पी बाई क्यू बराबर रूट टू है, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ध्यान से सुनना, जो ये चीज़ें इसी को पिक करके हमें चलना है, कभी भी डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताई दिया अच्छे से, रैशनल नंबर पढ़ाया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम का मतलब है इन दोनों का एच सी एफ वन होना चाहिए, और एच सी एफ वन का मतलब ये हुआ कि पी और क्यू के एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि पी और क्यू ओनली वन से डिवाइड हो रहे हैं, सिंपल भाषा में बोल लो किसी और से नहीं कट रहे, केवल एक से ही कटेंगे, यानी कि एक से ही डिवाइड होगा। तो हमने ये चीज़ स्टार्टिंग में मान ली है कि पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है जिसको हम रूट टू एक रैशनल नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू को प्राइम है, इसी चीज़ को हम टारगेट करके आगे बढ़ेंगे, इसी चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करने वाले हैं कि इसका एक नहीं एक के अलावा भी क्या है, कोई कॉमन फैक्टर आएगा, इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। तो पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमने माना है इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मैं इस साइड भी स्क्वायर कर दूंगा तो पी बाई क्यू का स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करूँगा तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा। अब ये क्यू स्क्वायर इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर हो गया टू क्यू स्क्वायर। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या करना है। सबसे पहले हमें रैशनल मानना है, रैशनल मानने के बाद में उसको पी बाई क्यू के बराबर लिखना है, ये कंडीशन लिख लेनी है और उसके बाद में दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐसा बना लेना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखूँ, यहाँ पे टू क्यू स्क्वायर में टू दिख रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये टू से डिवाइड होगा, टू से टू कट जाएगा, और ये जो नंबर है टू क्यू स्क्वायर ये किसके बराबर है, पी स्क्वायर के। तो अगर 2q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है और 2q स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर है, तो p स्क्वायर भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। और अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर होगा p वो भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं वापस से समझाता हूँ, यहाँ पे 2q स्क्वायर दिख रहा है जिसमें 2 दिख रहा है साफ साफ एक फैक्टर के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि 2 से डिवाइड होगा ये, और ये इसके बराबर है तो पी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, बराबर ही तो है, और अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो मैंने इसी चीज़ को नीचे लिख दिया, तो देखो हेयर 2q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 या फिर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, दोनों सेम ही है, एक आपस में बराबर है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमने ये प्रूफ कर दिया अभी तक कि P वाला जो नंबर है ऊपर वाला वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे उन सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, 2n टाइप से लिख सकते हैं। यहां पे P 2 से डिवाइड हो रहा है तो P को हम 2n टाइप से लिख सकते हैं, अगर 3 से डिवाइड हो रहा होता तो क्या लिखते हैं, 3n टाइप से लिख लेते P को, लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है तो जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को हम 2n टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि वो इवन नंबर होते हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया
सभी इवन नंबर्स को 2n टाइप से डिनोट किया जा सकता है। तो क्योंकि 2n टाइप का मतलब है कि एक टेबल बन गई, जैसे 2 मल्टीप्लाई n, n की वैल्यू बदलते रहो, तो यहाँ पे 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, इस टाइप से एक टेबल बन जाएगी और वो सारी की सारी टेबल 2 से डिविजिबल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो p है इसको 2n टाइप से लिखा जा सकता है। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग टाइप से लिखा गया है कि कहीं पे 2R टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 2C टाइप से लिखा हुआ मिलेगा। मैंने जैसे P बाई Q बराबर रूट 2 माना है, हो सकता है कि किसी बुक के अंदर A बाई B बराबर रूट 2 मान रखा हो, ठीक है, कहीं पे M अपॉन N बराबर रूट 2 मान रखा हो, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि P बाई Q की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, P इज डिविजिबल बाई 2। ये तो अब यहाँ हमने प्रूफ कर लिया कि P क्या है, 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसको किस टाइप से लिखा जा सकता है, P इज इक्वल 2n टाइप से लिखा जा सकता है, यहाँ n कोई भी इंटीजर हो सकता है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फिर से क्या करेंगे, ये जो हमने P बराबर 2n निकाला इसी का स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर P स्क्वायर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर तो P स्क्वायर हो गया, और 2n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का 4 और n का एन स्क्वायर। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब यहां देखो, इक्वेशन 1 से पी स्क्वायर कितना है, 2q स्क्वायर, और इक्वेशन 2 से पी स्क्वायर कितना है, 4n स्क्वायर। दोनों जगह पी स्क्वायर ही तो है, तो मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकता हूं कि इधर का पी स्क्वायर कितना है, 2q स्क्वायर, और इधर से पी स्क्वायर कितना है, 4n स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों जगह से पी स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहां देखो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 से 2 टाइम कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचा, q स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर। आई होप यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फिर से जो चीज हमने यहां बोली थी वही मैं यहां बोल रहा हूं। देखो ये 2n स्क्वायर दिख रहा है, तो 2n स्क्वायर में 2 दिख रहा है, मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और 2n स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, और ये किसके बराबर है, 2n स्क्वायर q स्क्वायर के बराबर है, तो q स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, और अगर q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने ये 2 बार रिपीट कर दी है चीज़, एक बार मैंने ये की और एक बार यहाँ कर दी। अब ध्यान से देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि P और Q के एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हमने ये प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे P का हमने 2x फैक्टर प्रूफ कर दिया, और यहाँ हमने Q का भी 2x फैक्टर प्रूफ कर दिया, यानी कि P और Q के एक के अलावा 2 भी क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, या फिर 2n स्क्वायर q स्क्वायर के बराबर है तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो q भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं P और Q हैव एट लीस्ट 2 एज द एज ए कॉमन फैक्टर, यानी कि हमने माना था एक को कॉमन फैक्टर, केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन हमने ये प्रूफ कर दिया 2 भी इन दोनों का क्या हो सकता है, कॉमन फैक्टर हो सकता है। अब ये चीज तो बिल्कुल जो हमने मानी थी उसकी बिल्कुल गलत हो गई। हमने माना एक को कॉमन फैक्टर और हमने प्रूफ क्या कर दिया, 2 को कॉमन फैक्टर। तो आगे क्या बोल सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब है विरोधाभास, जो हमने माना उसका बिल्कुल ऑपोजिट निकल के आया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये जो बात हमारी निकल के आई है कि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 होगा, ये तो बिल्कुल हमने माना था कि कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, उसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बिल्कुल ऑपोजिट निकल के आया। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ क्यों रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है हमारी गलत कल्पना की वजह से, हमने गलत इमेजिन कर लिया इसको। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारी गलत कल्पना की वजह से ऐसा आया है। हमने क्या कल्पना कर ली थी स्टार्टिंग में, कि रूट 2 एक रेशनल है, तो इस गलत अजम्पशन की वजह से ऐसा निकल के आ रहा है। तो सही अजम्पशन क्या होगी, तो इसलिए बोल देंगे वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसको हम रूट 3 के लिए अप्लाई करके देखते हैं, या रूट 5 के लिए, रूट 7 के लिए अप्लाई करके देखते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब इसी को देखो मॉडिफाई करेंगे हम लोग और रूट 3 के लिए करके देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन को बदल देता हूँ, क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्रूफ करके बताओ कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हो सकता है CBSE राजस्थान बोर्ड में बार बार पूछा होगा, मैंने ईयर नहीं लिखी है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है।
तो अब करेंगे क्या, वही चीज करनी है। मैं बार बार वापस लिखवा रहा हूँ, अब मैं रूट थ्री का करवा रहा हूँ, आप लोगों को रूट फाइव और रूट सेवन के लिए खुद करके देखना है घर पे। सेम लैंग्वेज लिखनी है, बस मेथड समझ लो कि करना क्या है। तो हमें करना क्या है, रूट थ्री को इस बार हम क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। और अगर रैशनल मान सकते हैं तो रूट थ्री को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कंडीशन वही लेनी है कि क्यू डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए, मतलब दोनों के एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सेम एज इट इज कंडीशन चलेगी। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है, पहले बात तो यहाँ पे रूट थ्री हो गया, इधर की तरफ स्क्वायर करना है तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर होगा, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर हो गया हमारे पास थ्री। और ये क्यू स्क्वायर इधर डिवाइड में, तो इधर आके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो कितना बन गया, थ्री क्यू स्क्वायर। अब यहाँ साफ साफ देख सकते हो आप लोग कि थ्री क्यू स्क्वायर दिख रहा है, तो थ्री क्यू स्क्वायर तो थ्री से डिवाइड हो गया ही होगा, क्योंकि इसमें थ्री एक फैक्टर के तौर पे दिख रहा है, और थ्री क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर के, तो पी स्क्वायर भी किससे डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा। और अगर पी स्क्वायर थ्री से डिवाइड हो रहा है तो पी भी क्या होगा, थ्री से डिवाइड होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम बोल सकते हैं थ्री क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, पी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री, तो हम बोलेंगे कि पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बस मैंने टू की जगह पे थ्री लिखा है। अब हमें पता है अगर कोई भी नंबर थ्री से डिविजिबल होगा तो उसकी टेबल कैसे बनाएगी, थ्री मल्टीप्लाई वन, थ्री मल्टीप्लाई टू, थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई फोर, ऐसे बनेगी टेबल, और उस टेबल के सभी नंबर थ्री से डिविजिबल होंगे। तो टेबल किस टाइप की बनेगी कि अगर पी थ्री से डिविजिबल है तो हर एक नंबर p को हम किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब p जो होगा 3 से डिविजिबल है तो p को हम 3n टाइप से लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, p इज डिविजिबल बाय 3, सो इट कैन बी रिटन एज p इज इक्वल 3n, तो हम इसको p इज इक्वल 3n टाइप से लिख सकते हैं। तो फिर से दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है इसके अंदर, तो इधर की तरफ तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और n का n स्क्वायर हो जाएगा, इधर p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया। फिर देखो इक्वेशन वन के अंदर पी स्क्वायर की वैल्यू थ्री क्यू स्क्वायर आ रही है, इक्वेशन टू के अंदर पी स्क्वायर की वैल्यू नाइन एन स्क्वायर आ रही है, दोनों को बराबर कर देंगे तो थ्री क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, नाइन एन स्क्वायर के। ये थ्री इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ क्या चल रहा था, नाइन था नाइन एन स्क्वायर, ये थ्री टाइम डिवाइड हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है, थ्री एन स्क्वायर निकल के आई है। तो अब यहाँ पे फिर से देखो, ये जो 3n स्क्वायर है ये साफ साफ दिख रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसलिए किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और ये 3n स्क्वायर किसके बराबर है, q स्क्वायर के बराबर है, तो q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा, और q स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो q भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। यही चीज मैंने लैंग्वेज में लिखी है कि 3n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, जो कि किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर के, तो हम बोल देंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां हमने क्या माना था कि स्टार्टिंग में हमने बोला था कि इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन हमने ये प्रूफ कर दिया, और पी और क्यू दोनों के दोनों तीन से भी डिविजिबल हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों का 3 भी एक कॉमन फैक्टर हो रहा है। हमने तो माना था कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने ये प्रूफ कर दिया कि 3 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन द, ये जो हमने माना है, हमने माना कि एक ही कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया 3 भी कॉमन फैक्टर होगा। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये तो बिल्कुल हमने जो बिल्कुल माना है और जो निकल के आया वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन कि रूट टू को हमने क्या मान लिया था, इरेशनल रैशनल मान लिया था, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रूट थ्री रैशनल नहीं है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग रूट फाइव और रूट सेवन का खुद करके देखना और इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के ऊपर। तो पहला हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है प्रूफ दैट 2+√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये वाले सवाल और ज़्यादा आसान है क्योंकि उनमें तो एक लंबी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, इसमें उतनी लंबी लैंग्वेज है ही नहीं। बस यहाँ पे देखो, मानना तो स्टार्टिंग में ही है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज ही करना है।
तो लेट 2 प्लस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, हमने जस्ट इसका ऑपोजिट का अज्यूम कर लिया है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू। तो हमने 2 प्लस रूट 3 को किसकी फॉर्म में लिख दिया, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। 2 इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो पी बाई क्यू माइनस 2। अब ध्यान से देखो, ये जो राइट हैंड साइड है ये दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस है। 2 भी एक रैशनल नंबर होता है, नीचे 1 लगा दोगे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में बन जाएगा, और ये भी रैशनल नंबर है, और दो रैशनल नंबर्स का जो डिफरेंस सम मल्टीप्लाई जो क्वेश्चेंट होता है वो भी एक रैशनल ही होता है, तो हम बोल देंगे कि इसकी राइट हैंड साइड तो एक रैशनल आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रूट 3 एक इरेशनल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि रूट 3, इट इज गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आप लोगों को कि प्रूफ ये करना है। तो देखो रूट 3 एक इरेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल आ रही है, राइट हैंड साइड में दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है जो कि हमें दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है जो कि इरेशनल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एक साइड इसकी राइट हैंड साइड तो रैशनल बन रही है और लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल बन रही है, और ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर हो जाए। तो हम बोल सकते हैं हेयर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर एंड ये पी बाई क्यू माइनस 2 इज ए रैशनल नंबर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही नहीं आ रही, ये सब क्यों हो रहा है, हमने गलत मान लिया, इसलिए इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन दैट 2 प्लस रूट 3 इज ए रैशनल, तो हमने जो माना है उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो हमने गलत ही रिजल्ट ही गलत निकल के आ रहा है, तो इसका रीजन वही है कि हमने गलत अजम्पशन कर लिया है। तो सही अजम्पशन क्या होगा, सही अजम्पशन यही होगा कि 2 प्लस रूट 3 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ कि हमें 2 प्लस रूट 3 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, हमने इसको रैशनल मान लिया यानी कि पी वाई क्यू के बराबर में रखा, 2 इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो गया, अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में तो रूट 3 बच गया जो कि एक इरेशनल होता है, और पी बाई क्यू माइनस 2 जब इसको सोल्व करोगे तो एक पी बाई क्यू रैशनल है, 2 भी रैशनल है, दोनों का डिफरेंस भी रैशनल ही आएगा, तो राइट हैंड साइड तो रैशनल आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल आ रही है, ऐसा यानी कि हम बोल सकते हैं कि दोनों साइड ही बराबर नहीं आ रही, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन की है, और रॉन्ग अजम्पशन की वजह से इसका ऐसा हो रहा है, तो हमारी सही अजम्पशन क्या होने वाली है कि 2 प्लस रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या पूछा है, 2 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ये हमारे को प्रूफ करना है, तो वो करना वही है कि हमें इसको एक रैशनल मान लेना है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया पी बाई क्यू इज इक्वल रूट 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर पी बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे, इधर रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो रूट 2 का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए कितना है रूट 2 और बी कितना है रूट 3। यहाँ पे मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी है जो कि क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहां देखो क्या, देखो रूट 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 2 बनेगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 बनेगा, यहां पे रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 बन जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 6 बन गया। अब ये चीज कितनी बन चुकी है, 5 बन चुकी है, तो मैं लिख दूंगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर 5 प्लस 2 रूट 6। अब ये 5 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का आ जाएगा, तो देखो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 5 हो गया, और इधर की तरफ क्या बचा 2 प्लस और 2 रूट 6 हमारा इस साइड में राइट हैंड साइड में बच गया। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, इधर की तरफ एलसीएम भी ले लेता हूँ मैं, तो एलसीएम लूंगा तो क्यू स्क्वायर आएगा इसके नीचे 1 लगा के, और फिर क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम होगा, 1 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा पी स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पे 1 से क्यू स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा क्यू स्क्वायर आएगा, और क्यू स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 क्यू स्क्वायर आएगा, और ये जो 2 दिख रहा है इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ जो 2 था ना ये इधर आके किस में हो गया डिवाइड में हो गया। अब ध्यान से देखो इस साइड को, पी स्क्वायर स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा रैशनल ही होगा, क्योंकि अगर रूट रहा भी होगा तो स्क्वायर की वजह से हट गया होगा, क्यू स्क्वायर भी रैशनल है, 2q स्क्वायर भी रैशनल है, यानी कि ये पूरा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला एक क्या आएगा रैशनल आएगा, और राइट हैंड साइड में रूट 6 दिख रहा है जो कि क्या होगा एक इरेशनल होगा, तो हम बोल सकते हैं सिमिलरली यहां भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही,
ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी रोंग अजम्पशन की वजह से कि हमने गलत मान लिया इसको रैशनल। तो सही क्या है? रूट टू प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा रियल नंबर्स वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप लोगों के एग्जाम नज़दीक होंगे तो मैं प्रीवियस और क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ करवाऊंगा। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको उनके वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग इससे पहले के लेक्चर्स को भी जरूर देखना, क्योंकि उन्हीं से आप लोगों के कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे और उसके बाद में ये आसानी से समझ पाओगे। तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ मैं आप लोगों को, मैंने इससे पहले के लेक्चर्स में होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, उन्हें भी आप सोल्व करना। उनके भी जो भी आप लोगों के रिजल्ट निकल के आते हैं, आंसर निकल के आते हैं, उनको कमेंट करके बताना कि हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया है। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।